हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड एक्चुअली अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावेदकर साहब। उन्होंने इस बार का 1 अप्रैल को एक्चुअली अनाउंस किया कौन सा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो जूरी मेंबर को याद नहीं रखना है, जूरी मेंबर जैसे आशा भोसले, सुभाष घई साहब है, मोहन लाल शंकर, ये सब विश्वजीत चटर्जी, ये सब है, तो जूरी याद नहीं करना। दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको मिला है, रजनीकांत जी को मिला है, सुपरस्टार रजनीकांत जी को मिला है। तो यहाँ पे 2019 का है लेकिन मिला है 2021 में, तो ध्यान रखिएगा 2019 वाला अवार्ड अभी मिला है, क्योंकि 2019-20 में जो कोरोना पेंडेमिक के कारण जो अवार्ड नहीं दिया गया, मतलब पिछला अवार्ड 2018 में के लिए दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, क्लियर। 2017 का दिया गया था विनोद खन्ना जी को। तो आपको क्या पूरा याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे बुक में पूरा दिया हुआ है लेकिन पूरा याद नहीं रखना है। तो जब बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड में तो क्या क्या होता है वो देख लीजिए। दादा ये एक्चुअली अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जूरी फिल्मी से रिलेटेड ही होते हैं। ये हाईएस्ट फिल्म ऑनर है, हाईएस्ट फिल्म ऑनर है, और क्यों दिला जाता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। जब कोई इतना अच्छा काम कर लेता है तब उनको दिया जाता है, क्लियर। ये कब से शुरू हुआ, 1969 से शुरू हुआ है। सबसे पहली बार किनको दिया गया, देविका रानी जी को दिया गया था सबसे पहली बार। देविका रानी जी को द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, देविका रानी जी को फर्स्ट इन लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। 1969 से स्टार्ट होगा। दादा साहब फाल्के जी कौन है, दादा साहब फाल्के जी एक्चुअली डायरेक्ट किए थे, डायरेक्टेड इंडिया की पहली फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, क्लियर। ये प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, इसीलिए इनको कमोमरेट कर, मतलब इनको थोड़ा इज्जत देने के लिए, इनको ऑनर देने के लिए इंडियन सिनेमा में अगर कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन देता है उसको मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम, ठीक है, समझ में आया। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो फाल्के जब अवार्ड दिया जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है, एक तो गोल्डन लोटस दिया जाता है, गोल्डन लोटस, क्लियर, शॉल दिया जाता है, और साथ ही साथ 10 लाख कैश प्राइज दिया जाता है, याद रखना है 10 लाख कैश प्राइज दिया जाता है। और जो इस बार किनको मिला है, रजनीकांत जी को मिला है, उनकी पहली फिल्म थी अपूर्वा रंगनगल। रजनीकांत जी इंडियन एक्टर जो प्राइमरली तमिल सिनेमा में काम करते हैं, और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल चुका है ऑलरेडी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और क्योंकि इस बार 2019 वाला को 2021 में मिला है कोविड पैंडेमिक के कारण, बस इसमें इतना ही जानना है। और नेक्स्ट अवार्ड हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज थोड़ी देर में, क्लियर। और एक और दो कोर्स है हमारा, ज्वाइन कर सकते हैं दो कोर्स, क्लियर। कौन कौन सा कोर्स है, एक है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जिसमें हम लूसेंट को डिस्कस करें, राकेश यादव सर को डिस्कस करें ऑब्जेक्टिव बुक को, और दूसरा है क्राउन जीके, और इन तीनों को मिला के कम्प्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ करने वाले हैं, क्लियर। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लियर फी देख सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए फिर बताइए, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।